ओके, डायबिटीज़ के मरीजों को मीठे आइटम से हमेशा परहेज करना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप डायबिटीज़ में किसी भी तरह के शुगर फ्री फूड आइटम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि शुगर फ्री मिठाई, जूस या फिर शुगर फ्री की गोलियाँ, तो उनका इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करें। अगर आप आवश्यकता से अधिक शुगर फ्री का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स होते हैं। कुछ लोग डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट से पूरी तरह हटा देते हैं, जो ठीक नहीं है। कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से डाइट से बाहर करना आपको फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में ऊर्जा का सबसे मुख्य सोर्स है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट तो आपको खाना ही चाहिए, वो अलग बात है कि सीमित मात्रा में खाना चाहिए। आप समझिए कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट से बचना चाहते हैं तो मीठा और स्टार्च मत खाइए। काली चाय पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये काली चाय आपके लिए एक दवाई की तरह काम करती है, एक औषधि की तरह काम करती है। यानी डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो रोज़ाना काली चाय का सेवन कीजिए, ये निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगी।